नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। बरगद हजारों हजारों साल तक बना रहने वाला विशाल वृक्ष है। इसको वट वृक्ष या बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। इसकी शाखाओं से जड़ निकलकर हवा में लटकती हैं और बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं। इन जड़ों को बरोह कहते हैं। इसकी पत्तियों, शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध निकलता है। इसकी पत्तियां चौड़ी और अंडाकार होती हैं। बरगद का वृक्ष सनातन धर्म का बहुत ही पूज्य एवं पवित्र वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के आराम की जगह बरगद के पत्ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है जो इस वृक्ष की विशेषताएं जानता है वो वेदों को भी जानता है। ये वृक्ष लंबी आयु का होता है। ऐसी मान्यता है कि ये कई हजार वर्ष तक मजबूती से खड़ा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का पेड़ एक उत्तम औषधि है। इसकी छाल और पत्तों से औषधियां बनाई जाती हैं और साथ ही साथ कई प्रकार के रोगों का इलाज होता है। वटवृक्ष की छाया सीधे मन पर असर डालती है और मन को शांत बनाए रखती है। बरगद का पेड़ बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। बरगद के पेड़ की लकड़ियां और छालों का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है बरगद के अग्र भाग में भगवान शिव जी का वास, बीच में भगवान विष्णु जी का वास तथा जड़ों में भगवान ब्रह्मा जी का वास रहता है। चूंकि यह वृक्ष बहुत ही दीर्घजीवी होता है, इसीलिए इस वृक्ष को अक्षय वट भी कहते हैं। गांव में आज भी आपको पुरानी से पुराने बरगद के वृक्ष मिल जाएंगे। सनातन धर्म में विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और निरोगी रहने के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ पश्चिम बंगाल में हावड़ा के शिवपुर भारतीय वनस्पति उद्यान में है, जो कि ग्रेट बरगद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बचपन में हम लोग बरगद के वृक्ष को दादा परदादा के नाम से भी संबोधित करते थे। भारत के हर क्षेत्र में मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों में आपको बरगद के वृक्ष अवश्य दिखाई दे जाएंगे। ये विशाल वृक्ष गर्मी से बचाते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो ये थी हमारे पूज्य एवं पवित्र वट वृक्ष बरगद के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।